Hey guys, welcome to Business Zest. आज का ये वीडियो है ना आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है. क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हाउ टू क्विट एडिक्शन. देखो एडिक्शन ना बहुत खराब होता है. किसी किसी को ना एडिक्शन होता है ड्रग्स का, किसी किसी को एडिक्शन होता है किसी पर्सन का जो कि उसके लिए टॉक्सिक है. मतलब ऐसे चीजों का एडिक्शन होना जो आपके लिए टॉक्सिक है उसको एडिक्शन बोलते हैं, वो भी बैड एडिक्शन होता है. ओके, तो इस वीडियो में हम लोग यही ऑपरेशन करने वाले कि एडिक्शन होता क्यों है और एडिक्शन को हम लोग ओवरकम कैसे करेंगे. तो आपका भाई लेके आया एक नया वीडियो जिसमें प्रैक्टिकली इजी मैं फटाफट समझाने वाला हूँ कि एडिक्शन कैसा भी एडिक्शन होने दो, आपका भाई के मेथड से ना 2 मिनट में साफ होने वाले. सो वीडियो को स्टार्ट करते उसके पहले इंट्रोडक्शन ले लो. हे गाइस, मायसेल्फ राम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर साइनिंग इन बिजनेस जस्ट. सो गाइस, जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हो सामने लिखा हुआ हाउ टू क्विट एडिक्शन. देखो किसी को ड्रग्स का एडिक्शन होता है तो किसी को मोबाइल के अंदर कुछ वेबसाइट होते हैं उनका एडिक्शन होता है. तो समझ जाओ एडिक्शन ना ज्यादा एडिक्शन मतलब क्या होता है, आप वो चीजों पे ज्यादा टाइम दे रहे हो जो कि आपके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, उल्टा वो और आपके लाइफ से एनर्जी और एंथुजियाज्म निकाल के ले जा रहा है, वो होता है एडिक्शन. कुछ कुछ एडिक्शन हेल्थ भी खराब करते हैं. आपको क्या लगता है ये सब एडिक्शन बहुत अच्छा है? नहीं यार, अच्छा नहीं है. मेरे को एक बात समझ में नहीं आती है, लोगों को मालूम है कि ये सब चीज मेरे लिए खराब है, लोग फिर भी क्यों पढ़ते हैं उसके पीछे? जरा आप भी सोचो और कमेंट बताओ उसके नीचे. ओके, देखो जैसे कि दारू है उसका सब्स्टिट्यूट कोको कोला है, कोल्ड ड्रिंक्स है ना यार, तो कोल्ड ड्रिंक्स पियो ना. तो मेरे को समझ में नहीं आता लोग दारू अल्कोहल फिर ये वोडका बियर ये सब के पीछे क्यों भागते. रेडबुल है, रेडबुल पी लो, थोड़ा सा थोड़ा ही वाइन है उसमें, तो ये सब चीजों है ना उसके सब्स्टिट्यूट है ना, तो लोगों को मालूम है कि ये मेरा हेल्थ खराब कर रहा है फिर भी लोग जा रहे हैं. इसका रीजन मुझे नहीं पता. मतलब अगर आपने साइकोलॉजी किया हुआ है तो भाई प्लीज कमेंट में आंसर दो और बताओ ऐसा क्यों करते हैं लोग. तो हम लोग बढ़ते आगे ये वीडियो में कि हाउ टू क्विट एडिक्शन. फर्स्ट पॉइंट, फाइंड योर व्हाई. देखो कुछ भी काम करने से पहले ना आपको अपना व्हाई क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये काम क्यों करना है. तो बेसिकली यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो एडिक्शन खत्म करना होता है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि मैं ये एडिक्शन क्यों खत्म करना चाहता हूँ, कि व्हाई यू वांट टू गेट द पर्सन और थिंग टू बी रिमूव फ्रॉम योर लाइफ. आपको वो एडिक्शन की वजह से कुछ भारी नुकसान हो गया है, आपका हेल्थ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, आपका मतलब आप किसी पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर नहीं पा रहे हो, अपने लाइफ को एकदम मिजरेबल बनाते जा रहे हो, तो ये सब रीजन होता है आपको एडिक्शन से बाहर निकालने का. तो अगर आपका जो एक बार वाई क्लियर हो गया ना, तब जाके आपको पूरे जर्नी है मतलब जो एडिक्शन आप खत्म कर रहे हो वो पूरे जर्नी में ना आपको मस्त एकदम मोटिवेशन रहेगा और आप कंटिन्यूस वो एफर्ट करने लगोगे कि मैं एडिक्शन खत्म कर दूं. अदरवाइज आपका ये जो वाई डिफाइंड नहीं रहेगा ना, तो फिर आपको लगेगा अरे यार इतना मेहनत करो चलो एक दो सुट्टा मार लेता हूं, उससे क्या होता है. तो अगर आपका वाई डिफाइंड नहीं है तो आप ये करने वाले हो और ऐसे ही आपका एडिक्शन खत्म नहीं होगा. तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आपका ये जो है ना वाई, ये सॉरी इतना बड़ा हो चुका है, ये जो आपका वाई है ना मतलब इसको डिफाइन करो, पहले से प्रिपेयर रखो कि ये मेरा वाई है इसलिए मुझे एडिक्शन खत्म करना है, बस बात खत्म. ओके, सो सेकंड टिप है ये. सेकंड टिप है ट्राई टू फाइंड आउट ट्रिगर्स. यानी कि ना आप मतलब कुछ कुछ ट्रिगर्स होते हैं जहां पे अगर आप रहते हो, जहां पे आप फील करते हो ना, तो वो सब काम आप करने लगते हो एडिक्शन वाला. सपोज आप अकेला फील करते हो तो आप वो एडिक्शन वाला काम करने लगे. अभी वो मतलब कोई वेबसाइट है या फिर कोई कुछ और चीजें हैं वो सब आप करने लगोगे जब आप अकेला फील करोगे. तो आप अपने लोनलीनेस को छुपाने के लिए ये सब काम करते हो. तो यार सिंपल है ना कि आप अकेले मत रहो, काम करते रहो, कुछ अपना एंगेज रहो, अपने आप को एंगेज करके रखो. ये सब चीजें हैं ना आपको खुद डिसाइड करनी होगी ये वीडियो देखने के बाद. ओके, देखो किसी किसी का घर, इमोशंस, पीपल, ये सब जो चीज होते हैं ना, ये सब आपके ट्रिगर पॉइंट होते हैं, आप वो एडिक्शन करते रहते हो. बेसिकली ट्रिगर का मतलब ये समझ लो कि आप कब आप वो काम करते हो जिसे तुम एडिक्शन कहते हो. मतलब आप वो कौन सा काम कब कर रहे हो जिसको तुम एडिक्शन बोलते हो ना, उसका जो टाइम स्लॉट है मतलब आप फ्री रह रहे हो तब कर रहे हो, या तो रात के टाइम अगर अकेले हो तब कर रहे हो, तो वो सब एडिक्शन पता करो. आप दोस्तों के साथ हो तो कर रहे हो, तो ये सब जो टाइम है ना वो आइडेंटिफाई करो और उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग. ओके, सो देखो इधर मैंने लिखा भी है रिप्लेस इट विद सम अदर गुड वर्क और पैशन. आप अपना वो जो टाइम है ना जिसमें आप एडिक्शन अपना जो भी जिसको छोड़ना है एडिक्शन वो करते हो, तो उसको रिप्लेस करो कुछ अच्छी चीजें सीखने लगो. तो सिंपल है कि आप वो टाइम पे कुछ अलग काम करने लगो और वो टाइम पे आप अपने आप को बिजी कर लो ताकि आपका जो दिमाग है वो टाइम को नेग्लेक्ट करे, धीरे धीरे कम करने लगे और ग्रेजुअली आपका एडिक्शन खत्म हो जाएगा. सिंपल और प्रैक्टिकल चीज है. टेक अ स्वेट गॉड ऑफ सिबली. अगर आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा है ना, तो यार भगवान की कसम ले लो या तो फिर अपने परिवार की किसी की कसम ले लो. तो आप वो कसम को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अपना एडिक्शन छोड़ दोगे, ये प्रैक्टिकल चीज है. पॉइंट नंबर 3, चेंज योर एनवायरनमेंट. आपको ना एडिक्शन हुआ है अपने एनवायरनमेंट की वजह से, तो यार प्लीज इसको चेंज करो.
आपके कितने भी अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होने दो, कुछ भी होने दो, धीरे धीरे आपको चेंज करना होगा। और अगर आप जो अपना एनवायरनमेंट चेंज नहीं करना चाहते हो तो सॉरी टू से आप एडिक्शन से कभी बाहर आ ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट मैटर करता है यार, बात मानो। आपके जो चर्सी फ्रेंड्स है, कलीग्स है, जो बार पब्स में रेगुलर जाते हैं ड्रग्स ये सब लेने के लिए, ड्रग्स ड्रिंक्स ये सब लेने के लिए, तो प्लीज यार उनसे उनसे दूर रहो और अपने एनवायरनमेंट को बदलो। सिंपल, एनवायरनमेंट बदलना आपके हाथ में है, समझे? तो आप कोई बहाना मत दो और एनवायरनमेंट बदलना चालू करो। स्टॉप गोइंग टू प्लेस वेर यू गेट ट्रिगर्ड एंड यू स्टार्ट परफॉर्मिंग दैट टास्क। जो कि आपको एडिक्शन जैसा लग रहा है ना अभी फिलहाल, तो वो टास्क जब जहां आप परफॉर्म करने लगते हो तो वो जगह पे जाने को बंद कर दो। सिंपल। पॉइंट नंबर 4, एक्सरसाइज बेस्ट डिप्रेशन बस्टर, हेल्थी फॉर हेल्थ। देखो ये जो एक्सरसाइज चीज है ना, ये खतरनाक चीज है यार। आप इसमें अपने बॉडी मेंटल हेल्थ ये तो अच्छा कर ही रहे हो, साथ में आप अपने एडिक्शन के जो टाइम है उसको ओवरकम कर रहे हो। देखो एक्सरसाइज करने के ना बहुत फायदे, आपका बॉडी अच्छा रहेगा, सिंपल पहली बात ये, और आपने जो एडिक्शन अभी तक जो करते आए हो ना उसको रिकवर करेगा आपका एक्सरसाइज, ओके? और आपको एकदम प्रोडक्टिव बनाएगा एक्सरसाइज। बहुत सारे फायदे एक्सरसाइज का, मैं सब लिस्ट नहीं करते बैठूंगा, आप देख लेना, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो बात सुनो। अगर एडिक्शन खत्म करना तो एक्सरसाइज फॉलो करो, एक्सरसाइज करो मतलब फॉलो मत करो, ओके? और पांचवा टिप है, डोंट जस्ट सिट थिंकिंग। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है यार, सिर्फ बैठते ओवर थिंकिंग करते, ये वो, अरे हजारों थॉट्स दिमाग में चलते रहते हैं, समझे? हजारों थॉट्स दिमाग में चलते रहते, तो प्रॉब्लम यही तो है, आप ओवर थिंक करने लगते हो ज्यादा। ओवरथिंक मत करो। क्यों ओवरथिंक करते हो? क्योंकि आप अकेले हो, अकेले बैठते हो, तो ये सब चीजों की वजह से ना ओवरथिंक करने लगते हो। देखो ओवरथिंकिंग और सेल्फ एनालिसिस में बहुत ही कम अंतर होता है। आप करते रहोगे सेल्फ एनालिसिस कि मैं ऐसा हूं, ये मेरा ग्रेजुअली स्टेप होने वाला है, ये मेरा गोल्स, इसको बोलते हैं सेल्फ एनालिसिस। और ओवरथिंकिंग क्या होता है कि ये ऐसा हो गया तो इसमें मैं वैसा करूंगा, तो ये मेरे से ऐसा हो गया तो, अरे भाई तुम जो है ना ये पूरा एक ड्रीम स्टोरीज पे स्टोरी स्टोरी पे स्टोरी बनाते जा रहे हो, नया नया अपना सिचुएशन लाते जा रहे हो, वो होता है ओवरथिंकिंग। और जो सेल्फ एनालिसिस है, सेल्फ एनालिसिस में आप लॉजिकल बात करते हो और पेपर पेन लेके बैठते हो और अच्छे से लिखते हो कि मुझे आगे क्या करना है, ये मेरा प्लान क्या है, प्लानिंग को सेल्फ एनालिसिस बोल सकते हैं, ओके? तो आपको ओवरथिंक को खत्म करना है, सेल्फ एनालिसिस करो, वो अच्छी चीज है, ओके? सो ओवरथिंकिंग बंद करना। देखो फिर भी और चीज बता देता हूं, एक्सेप्ट दैट यू हैव एडिक्शन। देखो आपको ना पहला एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई मेरे को एडिक्शन था, एडिक्शन है, उसको मैं खत्म करूंगा। एक्सेप्ट कर लिया, अब आप बेटरमेंट पे काम करोगे, फ्यूचर के बेटरमेंट पे काम करोगे। जो फ्यूचर है ना, आप एक बार एक्सेप्ट कर लेते हो ना तो आपको आसानी होती कि आप फ्यूचर को इंप्रूव कर सको, ओके? सो रिमेंबरिंग व्हाट माय एडिक्शन टुक। और सबसे खतरनाक मोटिवेशन मालूम है क्या होगा, आप वो याद करो कि मेरा जो एडिक्शन था वो मेरे से क्या क्या ले गया। सपोज फैमिली से तकरार आने लगे, फ्रेंड्स को ले गया, मेरे अच्छे रिलेशनशिप को बर्बाद कर दिया, मेरे को कोई विश्वास नहीं कर रहा है, मेरे बॉस, मेरे करियर, ये सबको बर्बाद कर दिया। ये होता है असली रियलाइजेशन एडिक्शन को खत्म करने का। और अगर आपको ये रियलाइजेशन हो रहा है ना लाइफ में, तो आप एकदम बेस्ट स्टेज हो, मतलब आप एकदम बेस्ट स्टेज पे हो, आपका ये जो खत्म हो जाएगा यार, अगर आपने खतरनाक मेहनत किया ना और ये जो सारे टिप्स बता रहा हूं फॉलो किया, तो आपका एडिक्शन खत्म भी हो जाएगा और आप एक अच्छे इंसान बनोगे, समझे? और ये जो है ना, ये खतरनाक पावर देगा आपको, मेरी बात मानो। और अगर आपको ज्यादा ही कुछ तकलीफ हो रहा है, ज्यादा ही कुछ हो रहा है, तो यू कैन टेक अ हेल्प फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट। आप साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हो कि मेरे पास ऐसा ऐसा है, मेरे ये मेंटल इश्यूज है, मैं क्या करूं। और साइकोलॉजिस्ट पढ़ते भी इसी बेसिस पे कि आपको वो कैसे ठीक करे, ओके? तो ये भी आप हेल्प ले सकते हो और ये काफी अच्छा हेल्प है। ऐसा मत समझना कि मैं पागल हो गया हूँ, साइकोलॉजिस्ट का है बहुत बड़े बड़े अमीर लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल स्ट्रेस, डिप्रेशन, बहुत सारे सोसाइटी का ना बहुत सारी चीजें बहुत बढ़ते जा रही लाइफ में और इसके एक ग्रोइंग सेक्टर भी है साइकोलॉजिस्ट का, ओके? सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। और आशा करता हूँ कि आप ये जो वीडियो में सीखे हो एडिक्शन को खत्म करने का, आपने ये वीडियो पे क्लिक इसीलिए किया है क्योंकि आपको कुछ ना तो कुछ एडिक्शन है, चाहे वो कौन का होने दो, चाहे वो वेबसाइट्स का होने दो, अलग अलग वेबसाइट्स के, चाहे वो सोशल मीडिया का होने दो, चाहे ड्रग्स का होने दो, चाहे सिगरेट, चाहे दारू, एल्कोहल, कुछ भी होने दो, एडिक्शन को खत्म करना है ना, इसीलिए आपने ये वीडियो देखा है पूरा। सो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी अगर आपके पास कुछ सजेशंस है, कमेंट्स में डालो यार, बहुत लोग पढ़ेंगे आपका कमेंट्स, और अगर अच्छा लगा ना तो मैं उसको पिन भी कर दूंगा, ओके? सो गाइस अगर ऐसे ही आपको बिजनेस और लाइफ से रिलेटेड चीजों का चाहिए ना, मतलब ज्ञान चाहिए ना और प्रैक्टिकल चीजें चाहिए ना, तो ये चैनल पे आना। मैं इसमें आपको एकदम अच्छे से बिजनेस से रिलेटेड और लाइफ से रिलेटेड दोनों चीजों को सॉर्टेड करके दूंगा। सो गाइस माय सेल्फ विराम यादव, यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरियल स्पीकर, साइनिंग ऑफ बिजनेस सेशन, बाय।